ऑल आर फर्स्ट ट्रायो, यानी कि हमारी पहली तिकड़ी। माँ बाप की बात आए और श्रवण कुमार का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन अगर श्रवण परेशान हो जाए अपने माँ बाप से और माँ बाप भी हो गए हो मॉडर्न, तो कैसे होता है इनका भारत भ्रमण? आइए देखते हैं। माँ भारती शरद एस पिता और भड़का तड़का परेश एस श्रवण कुमार। पुत्र श्रवण, अबे श्रवण। अर्चना, लुकिंग वेरी हैंडसम, हाँ? अरे श्रवण, अरे पंखुड़ी। ना ना मुझे छूना, ना दूर ही रहना। परी हूँ मैं। अरे कहाँ पड़ी हो? अरे पड़ी नहीं, परी हूँ मैं। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो, क्या हुआ? हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहीं नजर नहीं आ रहा है। भी नजरें होंगी तो नजर आएगा ना। Oh, I can't see. अरे हमारा पुत्र श्रवण कुमार गया कहाँ है? भी जिन टोकरियों में बिठा के हमें घुमाता है ना, लास्ट टाइम उनमें से एक टोकरी टूट गई थी। हमेशा एक ही तो टूटती है। शट अप। कि कहीं हमारे श्रवण कुमार को कुछ हो ना गया हो। ओह स्वीट हार्ट, डार्लिंग, कितनी फिक्र करते हो बेटे की, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। अरे हमारा बेटा तो खतरों का खिलाड़ी है। अरे मैं श्रवण कुमार की बात कर रहा हूँ रे, अक्षय कुमार की नहीं। क्या? अक्षय, टॉल डार्क हैंडसम, क्या लगता है? क्या? क्या लगता है तुम्हारा? क्यों कंपैरिजन कर रहे हो मेरे बेटे से उसका? हे माँ, डैडी, पापा। बेटा क्यों इतना चिल्ला रहे हो, हम अंधे हैं बहरे नहीं? भगवान इतना मेहरबान कहाँ? क्या? कुछ नहीं माँ। डैडी पापा कहाँ हो तुम? अबे चश्मा उतार के देख, इधर है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चश्मा लगाया? मन की आंखें बेटा, मन की आंखें। तुम्हारी मन की आंख। माँ माँ टोकरी ले आया मैं। ले, छोकरी लाने की उम्र में टोकरी लाता फिर रहा है, नॉनसेंस। टोकरी लाने से फुर्सत मिले तब छोकरी लाऊंगा ना, नॉनसेंस। मिल गई बेटा टोकरी, इस बार तो नहीं टूटेगी ना। हाँ लोहे की लाओगा तो नहीं टूटेगी। चुप रहो तुम, एक्ट में तड़का ये है और पंच तुम मार रहे हो। बैठोगे? एक मिनट आराम से बैठो माँ, बैठो। अरे तुम्हारी वजह से एक्ट का बैलेंस बिगड़ रहा है माँ। बेटा श्रवण, हाँ, आज कहाँ करा रहे हो भ्रमण? कहो तो बैंकॉक ले चलूं। बैंकॉक? बेटा हमारा हनीमून भी मिस हो गया था। क्यों मिस? हट, नटखट बुढ़ा गई का। और नहीं तो क्या? बेटा हाँ? पापा की बात बिल्कुल मत सुनना। हाँ? और 4 नाइट 3 डेज का अच्छा सा पैकेज देख लेना। शर्म करो माँ, श्रवण के बाद नदीम की तैयारी शुरू। तो इसकी बात का बुरा मत मान बेटा। अरे डैडी पापा, इनकी वजह से मुझे पैदल होने पर भी ट्रक का टोल भरना पड़ता है। पुत्र, माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? माँ इतनी हो तो इतना करूँ। इतनी माँ के लिए कितना करूँ मैं? बेटा श्रवण, हाँ, तू ये टोकरियाँ बेचकर नैनो कार क्यों नहीं खरीद लेता? देख लो, नैनो से दिखाई नहीं देता लेकिन नैनो के बारे में जानकारी सब है। एक मिनट रुक बेटा, मैं जरा बेल्ट बांध लूं। हाँ बांध लो। इतनी लूज धोती पहनते क्यों कि बेल्ट की जरूरत पड़े? अरे नहीं करंजली, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। बेटा जरा आगे से यू टर्न लेना। देख लो, दोनों इंडिकेटर खराब है लेकिन यू टर्न दिखवा लो। बेटा तुम हमारी आंखें ठीक क्यों नहीं करवा देते? आंखें नहीं है तब इतना सब देख लेते हो? सही हो जाएगा तो ना जाने क्या क्या देखने लगोगे। अरे बेटा हमारी तो आंखें खराब हैं। हाँ? तेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है बेटा। तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? किससे करूं पापा? बेटा हम बहुत ही पुराने विचारों के लोग हैं। हाँ? इसलिए लड़की से ही करना। और बेटा हमने तो तेरे लिए एक लड़की देख भी ली है। हाँ? क्या 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 क्या? मुझे बड़ी पसंद है पर्सनली। पुत्र। हाँ? हम कहाँ हैं? मार्केट में है माँ। हाय, मार्केट से याद आया पुत्र। अरे यार बड़ी भूख लगी है, जरा आस पास देख कहीं फल फ्रूट मिल जाए तो। फल फ्रूट मिल जाए? फल फ्रूट नहीं बेटा,
पिज्जा देखी। पिज्जा मेरा खून पिज्जा। जब देखो तब भूख भूख भूख। बेटा इसमें मेरा क्या कसूर, मैं खाते पीते खानदान की हूँ। बेटा पीने से याद है बेटा यहाँ कहीं। अबे यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता, ये उड़ा कहीं का। चल पुत्र। हाँ हम कहाँ हैं? माँ बस थोड़ी देर में हम महानगरी मुंबई पहुँचने वाले हैं। वहाँ मत रुकना बेटा, वहाँ हमने अक्सर देखा है लोग अपनों को छोड़कर चले जाते हैं बेटा। मैंने भी देखा है पुत्र, मैंने भी देखा है। अरे लेकिन तुम दोनों ने कहाँ से देख लिया? मन की आंखें बेटा, मन की आंखें। तुम्हारी मन की आंख। माँ डैडी पापा मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। देखो हम आ गए महानगरी मुंबई में। मैं कहीं गया नहीं ना? नहीं। तो फिर रोनी सूरत क्यों बनाई है तुम लोगों ने? रोनी नहीं बेटा, हाँ मोनी। हाँ आओ ढाकी टिक्की, ढाकी टिक्की, ढाकी टिक्की, ढा आओ मोनी। अरे अरे डैडी पापा। ओ रितेश पुत्र, ओ स्वीटहार्ट डार्लिंग। अरे माँ अब मैं क्या करूँ यार। अर्चना आई वांट टू टेक यू होम। कहना है हमारे जजेस का इस परफॉर्मेंस के बारे में? अर्चना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शरद यू सरप्राइज मी बिकॉज यू सच अ गुड एक्टर अदरवाइज, बट कॉमेडी यू आर वंडरफुल एट ऑल्सो। परेश यू आर नोन ऑन स्टेज एंड दिस स्टेज पर्टिकुलरली वेलकम्स यू बिकॉज यू आर अ ग्रेट टैलेंट। भारती आई वेलकम यू विद ओपन आर्म्स ऑन दिस स्टेज बिकॉज यू थ्री हैव डन अ फैबुलस जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। शरद यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच। एंड भारती Avoid the burp. मैं डर गया। And Paresh, you are superb in comedy. Thank you. The script was superb. That's all I could say. रितेश आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि तुम तीनों की परफॉर्मेंस ने मेरा मौन ही जीत लिया। बहुत बड़ा दिल लगता है कि अपने आप के ऊपर जोक्स लेना, अपने आप को मजाक बनाना या उस पर हंसना। आई थिंक इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटी। एवरी एक्टर हु डज कॉमेडी शुड हैव दैट क्वालिटी। आउट आउट आउटस्टैंडिंग। जैकलिन यू गाइस आर अमेजिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू मैम। आइए अब जान लेते हैं इन्हें क्या स्कोर्स मिलते हैं। अर्चना 8। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, प्लीज टेक इट सीरियसली। तो शुरू करते हैं जंगल सफारी और बुलाते हैं आज की पहली तिकड़ी को। आज हमारे टार्जन एक और नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कबीले के सरदार परेश से उनकी बेटी भारती का हाथ मांगने जा रहे हैं टार्जन शरद। प्लीज वेलकम देम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जाने जा फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके बाप से उसका हाथ मांगने से डरता हूँ। लड़की बड़ी बदमाश है, कभी कभी वो लेट आती है। तार्जू पतली कमर चिकना बदल तिरछी नजर है, मेरी वाली उम्र है। ओए पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी मेरी वाली उम्र है। जिंगा बा जिंगा शो, जिंगा बा 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 जिंगा शो। जा रे जा छोड़ दे। फिर तू लेट आई आज, फिर तूने वेट करवाया? हाँ 3 किलो कम हो गया है, 140 पे आ गई हूँ। अरे मोटी बुद्धि, मैं इंतजार वाले वेट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या, नीचे सब टाइटल थोड़ी चल रहा है जो स्पेलिंग पढ़ लूँ। और ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रही हो। ताजू तुम भूल गए, आज पापा से तुम मेरा हाथ मांगने वाले हो। सिर्फ हाथ और हाथी? ये कॉमेडी सर्कस है, ये मजाक मत करो। ओ जाओ जाकर ढंग के कपड़े पहन के आओ। इन कपड़ों में क्या खराबी है, ये तो बड़ा टॉइंग है। और मैं तुम्हारे बाप के पास क्यों जाऊं, उसे यहाँ बुलाओ, आखिरकार हम लड़के वाले हैं। ओए लड़के वाले।
अपने पापा को बुला तो लूं, लेकिन मेरे पापा बड़े तेज हैं। आज तक से भी ज्यादा। मेरे पापा कबीले के सरदार हैं। ओ सुरेंद्र पाजी आप हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी मोटी बेटी के बाप। लगता है पापा को बुलाना ही पड़ेगा। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे कबीले के तीन नियम। ओ ये शहंशाह की ड्रेस में मोहब्बती लाइन कौन बोल रहा है? ये है तुम्हारी पसंद? मुझसे पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो? ये है तुम्हारी पसंद? हाँ पापा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बेटी अब तुम बच्ची नहीं रही, और ये शादी के लायक है? शादी से पहले ही स्वागत वाली फील दे रहा है लड़कों का मल्लिका शेरावत। पापा। कबीले के सरदार की बेटी की शादी इससे कभी नहीं। पापा, थिंक हटके। थिंक हटके। पापा, इसको जयमाला डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इसके कपड़े देखे आपने? कपड़े कितने गंदे हैं। खरगोश को शेर से बचाते वक्त दाग लग गए थे। और पापा, अगर किसी के फायदे के लिए दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। और वैसे भी ये जो कपड़े जो मैंने कम पहने हैं, इसमें लोग मुझे जंगल का सलमान खान कहते हैं। अबे ओ जंगल के सलमान, प्लीज पहले एक बात का जवाब दे, कितने प्रतिशत भारतीय ये जानते हैं कि तेरे सर के बाल तो बढ़ते हैं लेकिन दाढ़ी के नहीं? शादी के बाद मेरी हाथी जैसी बच्ची को तू कहाँ रखेगा? शादी के बाद तेरी बेटी मेरी हो जाएगी, जैसे जहां भी रखूं तो उसे मतलब। तार्जू! पापा से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अच्छा ये बता, कुछ कमाता वमाता भी है? हाँ बस खर्चा पानी निकल जाता है। ये इतना खर्चा कराती है कि आंख से पानी निकल आएगा, समझा? शादी के बाद थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा अपने लिए और बहुत इसके लिए। हाँ मुझे विश्वास है कि शादी के बाद तो कुछ कर ही लेगा तू। लेकिन मुझे ये बता कि तूने तेरा नाम क्या बताया था? पापा। तार्जू। पूरा नाम? चार्जन यादव। यादव? तुमने तो कहा था यादव। हमारा नाम तो यादव ही है, क्या करी, जंगल महाराष्ट्र में पड़ता है ना। राज की बात आज बता रहे हो? अरे भैया हम भी तो यादव है। तो पप्पू पास हो गया? अरे पप्पू पास हो गया। अरे तो पप्पी पप्पू के साथ चल। चल। अरे तू कहाँ? अरे हम भी तो घर ससुर बन के रहेंगे। पप्पा। ऐसे आहा तक। क्या प्रपोज करना चाहेंगे सरदार की बेटी को? इनको अगर मैंने प्रपोज कर दिया तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। जो आप लोगों ने परफॉर्म किया, एक ही चीज कह सकता हूँ, व्हाट एन आइडिया सर जी। ग्रेट टाइमिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सुपर्ब स्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच। तीन लोगों के बीच में, अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ यार, तुम लोग गले मिलके क्या जा रहे हो? हम लोगों को थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे दो। परेश यू आर ब्रिलियंट, आप स्टेज करते हो। शरद, परेश के साथ खड़े रहना और उस लेवल पे जाना इतना आसान नहीं है, एंड ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
रचना? एक एक पंच आप लोगों की स्क्रिप्ट का माइंड ब्लोइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप तीनों में से किसने बेहतर किया? आई कैन नॉट से। सच अ ब्रिलियंटली बैलेंस्ड स्क्रिप्ट एंड परफॉर्मेंस, पंच अपॉन पंच अपॉन पंच वॉज ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मेरी तरफ से क्या नहीं। रोहित आप इन्हें क्या मार्क्स देंगे? मैं बहुत रियलिटी शोज देखते रहता हूँ, कोई जज 100 का नोट निकाल के देता है, कोई सीटी मार देता है। क्या अलग करें हमने सोचा, मैं गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, साइज देख लो एक बार। चलेगी चलेगी चलेगी। फॉर्मेलिटी के लिए मार्क्स भी दे दीजिए। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.